आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय हुडा साहब, माननीय वेणुगोपाल जी, मंच पर उपस्थित इस इलाके के चारों उम्मीदवार, मंच पर उपस्थित तमाम गणमान्य नेता और इस इलाके से आए हुए तमाम मेरे बहनों और भाइयों, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं। यहां के साथी बताएंगे हमने कई बार कांग्रेस का विरोध भी किया है, लेकिन आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच, इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, निवेदन करने के लिए आपके यहाँ का बच्चा, यहाँ रेवाड़ी के पास सहारनवास गांव का बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं। राहुल जी, ये जो तीनों समस्याएं हैं उसका बहुत बड़ा शिकार है ये दक्षिण हरियाणा। झूठ का शिकार इसलिए है कि यहीं रेवाड़ी से नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला शुरू किया था। कहा था इस इलाके के सेनानियों को मैं ये दूंगा वो दूंगा, और दिया क्या, अग्निवीर की स्कीम दी। 20 साल की नौकरी को खत्म करके ठेके की 4 साल की नौकरी दी और इस इलाके में 1,500-2,000 भर्तियां हर साल होती थीं, उसको घटा के 400-500 कर दिया। इसलिए ये झूठ की सरकार है। आपके बीच इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, प्रॉपर भर्ती शुरू करेंगे। इस लूट का शिकार भी ये दक्षिण हरियाणा है। ये कोई धान का प्रदेश नहीं है, ये बाजरा का, सरसों का और थोड़ा गेहूं का प्रदेश है। किसानों को कभी फसल का दाम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, सही बात है ना। और बीजेपी से कहो किसान को दाम दो, कहते हैं हाँ दे देंगे, भीख की तरह देंगे, कभी कभी देंगे। मैं यहां पे इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों को MSP की गारंटी, कानूनी गारंटी देंगे, लिख के गारंटी देंगे, इसलिए यहां हूं। और तीसरी बात, फूट सबसे खतरनाक। झूठ और लूट का तो फिर भी मुकाबला हो जाता है, लेकिन जो भाई भाई को लड़ाए उसका कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा में इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेला, 35-1 का खेल खेला है। हमारे इलाके में इसका असर भी है। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे इलाके की सरदारी बैठी है, सबको याद दिलाना चाहता हूँ, भाई एक नाम याद रख लेना, जब इस रैली से वापस जाओ तो किसी बच्चे को कहना, YouTube पे आपको दिखा देगा, क्या नाम, मंगेश यादव, उत्तर प्रदेश में। बस यूट्यूब देख लेना मंगेश यादव कौन था, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों की थी, बाकी सब अपराधियों को क्यों बचाया था, सिर्फ मंगेश यादव की हत्या क्यों हुई थी, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप, भाई ये किसी के सच्चे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं, भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। बस एक आखिरी बात और, इस इलाके में लूट, झूठ और फूट के अलावा एक समस्या और है, यहां राजशाही भी है। कड़वी बात है मैं कह दूं, हमारी बहन अनीता बैठी हैं, ये अटेली वाली हैं,
ये राजशाही खत्म करेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। होगी कड़वी बात ये है, 70 साल से देश आजाद हो गया, लेकिन ये हमारा दक्षिण हरियाणा जो अहिरवाल कहते हैं ये आजाद ना हुआ। इसकी राजशाही आज भी चल रही है और राजशाही को आगे चलाने की तैयारी चल रही है। आप मुझे बताओ, इस राजशाही को खत्म करोगे? मैं यहां इसलिए हूं कि इस इलाके में राजशाही की कमर तोड़ी जाए, ये बहुत जरूरी है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था, लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी, इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा, ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में, ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है। मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? सुनामी चलेगी, चारों सीट पे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।